कंगना रनौत की फिल्म तेजस के रिलीज को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज और फिल्म से एक्ट्रेस का लुक सामने आने के बाद से फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस को इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, ऐसे में आज वो इंतजार खत्म हो रहा। इसमें कंगना ने एक एयरफोर्स फायर पायलट तेजस गिल का रोल प्ले किया है। मूवी के जरिए एक्ट्रेस का पहली बार नया और एयरफोर्स लुक देखने को मिलने वाला। ऐसे में मूवी से लोगों को ही नहीं बल्कि मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं। कंगना के लिए बीते साल कुछ ठीक नहीं रहे। माना जाता है कंगना रनौत की फिल्म तेजस के हिट और फ्लॉप से साफ हो जाएगा उनका आने वाला समय इंडस्ट्री में कैसा होने वाला। वो लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर एक भी हिट नहीं दे पाए। पिछले 4 सालों से एक्ट्रेस हिट के लिए तरस गई। चलिए इस पर नजर डालते हैं। कंगना रनौत ने 4 सालों में 5 फ्लॉप फिल्में दी। इसकी शुरुआत साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म मणिकर्णिका से करते हैं। लक्ष्मी बाई की वीरगाथा को बताने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, जिससे भारत में केवल 92.19 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद वो जजमेंटल है क्या में नजर आई, जो फ्लॉप थी। इसने 33.11 करोड़ का कलेक्शन किया। एक्ट्रेस की तीसरी फिल्म पंगा 2020 में रिलीज हुई ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर 28.9 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं इसके बाद एक्ट्रेस को 2021 में फिल्म थलाइवी में देखा गया। यह फिल्म तमिलनाडु की सीएम जयललिता पर आधारित थी। इसमें एक्ट्रेस ने अपने लुक से काफी सुर्खियां बटोरी थी, मगर यह कमाल नहीं कर पाई। कुल कलेक्शन 4.75 करोड़ का था, जो कि जाहिर तौर पर फ्लॉप है। फिर कंगना को एक्शन अवतार में फिल्म धाकड़ में देखा गया, जो बॉक्स ऑफिस पर 2.58 करोड़ का बिजनेस की यह डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद से कंगना रनौत के दिन बदल गए। बता दें कि तेजस से पहले हाल ही में कंगना की तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 रिलीज की गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाए, फ्लॉप रही। इसने बॉक्स ऑफिस पर 51.7 करोड़ का बिजनेस किया। अब देखना है तेजस से कंगना रनौत की किस्मत का सितारा कैसे चमकता है। इसमें कंगना का एक्शन अवतार देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलने वाला, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा फिल्म पहले दिन क्या कमाल कर पाएगी, ये हिट होगी या फ्लॉप। बहरहाल कंगना की तेजस के पहले दिन की कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है फिल्म की एडवांस बुकिंग कुछ खास नहीं रही। इसकी एडवांस बुकिंग 7,000 के करीब हो सकती, जो कि मिशन रानीगंज और गणपत से थोड़ी ज्यादा है। ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन 1.5 से 2 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है।